नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की खास खबर। अगले साल इससे भी अच्छा हो
और मैं दोबारा यहाँ आके परफॉर्म करूँ। आपकी आने वाली फिल्मों के बारे में? हाँ, अभी मेरी जो फिल्म आने वाली है रिलीज पे है वो है इश्क वाले, और जिसके डायरेक्टर हैं प्रदीपा शर्मा, और जो एक्टर हैं वो समीर खान और अविनाश साई हैं। तो अभी फिलहाल तो ये है, बाकी बहुत सारी फिल्में बन के तैयार हैं, जैसे ही उनकी रिलीज डेट आएगी तो मैं आऊँगा। एक ही बात कहना चाहूँगी दशहरे के लिए कि आप सबको दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और प्लीज़ अपने अंदर के रावण को मार दीजिएगा और अंदर के राम को जगाइए, और सबके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, अच्छे से रहिए, क्योंकि दशहरा का जो एक मेन जो एक ज़्यादा ना लोगों को एक मैसेज वो यही होता है कि अपने अंदर के रावण को मार के और सबके साथ में अच्छे से रहना चाहिए। ये नवरात्रि उत्सव में अपने कमलेश यादव जी, जैसे कि माजी प्रभाग समिति के अध्यक्ष कमलेश यादव जी ने आज इतना सालों साल से, वो सीनियर है, इतना सालों साल से इतना लोगों को इतना प्रेम दिया है कि मैं ऐसा शब्द में बोल नहीं सकती, और ये शब्दों से और ये प्रेम से, जैसे कि मैं बोलूँ अभी इतना भाई और बहनों को सभी को इतना प्यार से बुलाया है कि उनके लिए इंटरटेनमेंट भी रखा है, इसके लिए सब लोग खुश भी है, और हमारे संजय सिंह जी लोगों के साथ साथ रहते हैं सभी को इंटरटेन करने के लिए। तो मुझे ऐसा कहना है कि अभी हमारे भाई कमलेश यादव जी सब लोगों के साथ रह रहे के सब बहुत सारा प्रेम उसने सभी लोगों को दिया है अभी तक। भोजपुरी में शिखा मिश्रा को शुभकामनाएं, जैसे कि वो अभी इसके आगे आगे बढ़ते रहो, ऐसे मेरे उसको शुभेच्छा है। कुछ कर ही दिया है, खासकर मैं आज शिखा मिश्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभारी आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने फर्स्ट टाइम आकर जब हमारे इस कार्यक्रम को भूमि पूजन किया था, और आज आखिरी दिन भी आके जो हमारे उत्तर भारतीय समाज को इंटरटेनमेंट किया है, और जो उनका फिल्म जो आने वाला है इश्क वाले, उसको मैं सभी से अपील किया हूँ, और खुद भी हम लोग जाके देखने वाले हैं फिल्म उनका। जैसे उनका धड़कन गर्ल के नाम से उन्होंने मशहूर हुआ है, धड़कन फिल्म भी उनकी आई थी, तो हमारा उत्तर भारतीय समाज उनका देखेगा। हमारी बहन प्रियंका बहन जो नगर सेविका है हमारी, वो भी आई, उनको शुभेच्छा दी, इनको भी मैं हार्दिक शुभकामना देता हूँ। और ख़ास करके हमारे उत्तर भारतीय समाज जो आज पहली बार पंडित दीनदयाल उपाध्याय ट्रस्ट द्वारा, नौसेना उत्तर भारतीय मंडल द्वारा जो आज ये आयोजन हुआ है, और मैं चाहूँगा कि इसमें गोविंद ठाकुर जी जो हमारे मीडिया प्रभारी हैं उनके माध्यम से जो हम लोगों तक जन जन तक पहुँचने का जो हम लोग को मौका मिला है, इसलिए हम गोविंद ठाकुर का भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, उनका भी आभार प्रकट करता हूँ। और मेरी आशा, इन्हें पूरा विश्वास है कि अगले साल हम लोग इससे भी बढ़िया बढ़ चढ़ के अच्छा कार्यक्रम करेंगे। ये मैं दिल से मैं माता जी के चरणों में कृपा करता हूँ। शिखा जी हम लोग के दिल में बसती है, हमारी खास करके गाँव की है शिखा जी, देवरिया जिला मेरा भी है और हमारी बगल की रहने वाली है। अभी हम लोग इनके साथ चाय बैठ के पीने वाले हैं और हमेशा इनको शिखा को हम लोग बुलाएंगे। शिखा मिश्रा हमारे कार्यक्रम में नहीं आएगी, वो कार्यक्रम हमारा पूरा हो ही नहीं सकता है। आज का कार्यक्रम, हमारी जो भोजपुरी अभिनेत्री जो सुपरस्टार अभिनेत्री शिखा मिश्रा जी हम लोगों के बीच में आज उपलब्ध हुई, उन्होंने देखिए आज यहाँ की भीड़ है, ये कैमरे से मारी है भीड़, यहाँ इतना जबरदस्त भीड़ है। ये शिखा मिश्रा के आज जो हम लोगों ने उनका फिल्म का प्रमोशन का कार्यक्रम रखा है, उसमें हमारी बहन नगर सेविका प्रियंका चोपड़ा भी उपस्थित, प्रियंका मौर्य जी उपस्थित हुई, इसके लिए मैं उनका भी मैं पंडित दीनदयाल वेलफेयर ट्रस्ट के माध्यम से उनका हार्दिक अभिनंदन और आभार करता हूँ। और इस वाले फिल्म सुपर डुपर हिट हो, ऐसे शिखा मिश्रा हमारे कार्यक्रम में हर साल उपस्थित रहे, ऐसे मैं प्रभु से कामना करता हूँ उनकी फिल्म सुपर डुपर हिट हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आखिरी दिन है, क्या कहने चाहेंगे, अगले साल फिर से धमाका होगा? बिल्कुल धमाका होगा, और जैसा कि शिखा मिश्रा ने इसकी ओपनिंग किया था, अगले साल भी ओपनिंग हम शिखा मिश्रा से ही कराएंगे और एंडिंग शिखा मिश्रा से ही होगा। शिखा मिश्रा को मेरी तरफ से, पंडित दीनदयाल वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं उनकी आने वाली फिल्म इश्क वाले के लिए, इश्क वाले फिल्म सुपर डुपर बम्पर हिट हो। वो मैडम क्या ले रहे हैं? ये हमारे 21 वार्ड में जो हमारे नगर सेवक, हमारे कार्य सम्राट, हमारे नगर सेवक भाई है, उनकी गुरु से जो दीनदयाल उपाध्याय के ट्रस्ट की तरफ से जो कार्यक्रम आज 8वां दिन चालू है, और हमारे बीच में शिखा मिश्रा शुरू से ही अंत तलक हमारा
रहती हूँ। फिल्म, क्राइम, राजनीति और धर्म से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द स्टार न्यूज़।